जब कॉलेज में था ना, गर्लफ्रेंड बनी थी तो भैया नींदे उड़ गई थी। उसके बाद जब शादी हुई ना, चैन और सुख उड़ गया। और उसके बाद जब बच्चा हुआ ना, तो अपने घर से ही चोरों की तरह निकलना पड़ रहा है। देख रहे हो कैसे दिन आ गया है। बाय द वे, ये तो करते हैं हम बाद में बातें, फिलहाल बताओ कैसी लग रही है। लग रही है ना मस्त। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन कि अभी तो हम लोग मेट्रियोर से ट्रिप करने वाले थे, अब ये कहाँ से आ गई। देखो, मिला ना आपको सरप्राइज, सेम एज इट इज़ मेरी लाइफ में भी ऐसी सरप्राइजेस आ रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहाँ से आई, कैसे आई, किसकी है और आगे का प्लान क्या है, तो व्लॉग में बताता हूँ ना। अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम जा रहे हैं धूम मचाने। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं धूम मचाने के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ये देख रहे हो आप मीटर में क्या जगमग जगमग हो रहा है, यू नो, दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। फिलहाल अभी मैं चला रहा हूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 जो भी ब्रांड न्यू आई है। और इस बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मीटर है, जब आप राइड करते हो ना ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। फिलहाल ये जो फ्लिकरिंग वाला ऑप्शन है ना, इसको ठीक किया जा सकता है कैमरे की सेटिंग चेंज करके, लेकिन उसको करने में लगेगा टाइम, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था वो सेटिंग चेंज नहीं हो रही है, तो मुझे घर जाके उसे चेक करना पड़ेगा और आपको ये दर्द डिस्को झेलना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर इसे झेलो, तब तक मैं आपको दिलाता हूँ थोड़े से मोटो व्लॉग के मज़े। यू नो, ज़िंदगी में लगी लगे हैं मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। चलो, अभी मैं हूँ गुड़गांव फरीदाबाद वाले रोड पे और आपका भाई चला रहा है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452। ओहो, मर्सिडीज, और वो भी ईवी, क्या बात है भैया। आजकल गाड़ियों में ना ईवी गाड़ी बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है, दैट मीन्स कि आने वाला ज़माना ईवी का ही दिख रहा है मुझे अभी। और पिकअप देखो भाई साहब, क्या लेके जा रहा है यार। चलो, अभी लग गए हम लोग जयपुर वाले हाईवे पे। अब यहाँ पे करते हैं एक बार इसकी परफॉर्मेंस चेक। रहमत, मेहनत और प्यार, ये डायलॉग देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं हूँ ये सुबह सुबह रौनकें बढ़ गई है भैया हमारे ऑफिस में। क्या बात है। तो पाजी एक बार बताओ कैसा रहा डिसीजन अपना। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बाकी तो जनता बताएगी। जनता जनार्दन हमारी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया, ये उठाती है तो राजा बन जाते हैं, गिराती है तो रंग बन जाते हैं, तो इनका फैसला सुनना पड़ेगा। हमने तो अपना दे दिया है, बट एक्चुअल क्या है, हम लोग बहुत खुश है भाई। देखो, अब पॉइंट ए पे एक बाइक आए, पॉइंट बी पे एक बाइक आए, फर्क जहां पड़ता है वो ये है कि हमारा एक राइडर रेडी हो रहा है हमारे साथ रोड ट्रिप जाने के लिए, है ना। कोई भी है, मैं कहता हूं जीएस है, भगवान करे, है ना, कुछ भी है। क्यों भाई, हम खुश हैं तेरे लिए, बस मतलब जल्दी से दिन आए, हम जाए जैसा बाइक की डिलीवरी लिए और उसको रेडी करवाए रोड ट्रिप के लिए। ये तो बिली पाजी कैसा लग रहा है, सही है? मेरे को तो बहुत सही डिसीजन लगा है, और जो आने वाला ना बीस्ट, इसको VFM बोलते हैं, ये वैल्यू फॉर मनी। तो आकाश भाई कैसा लगा? ये पार्टी डी हुआ है हमारी, ये मनी मन में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यार देखो मैं भूसा लेके जाता हूँ ना, मुझे पहले रोड और रास्ते का पता रहना चाहिए, बट आप कुछ चीज ले रहे हो ना उसमें सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा भी रोड होगा तो जाएगी जाएगी। तो अभी निकले फिर पहले, यस 100% लेट्स गो विदाउट फर्दर डू, चलते हैं थोड़ा एडवेंचर देखते हैं एंड थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं कि कल को हम भी प्रोफेशनली रेस करेंगे। वी आर रेडी टू रेस। फॉर द रेकॉर्ड, आई एम डन ट्राइंग टू मेक यू आर कंफर्टेबल, फॉर द रेकॉर्ड, यू एंड ट्राइंग ग्रोइंग एंड स्टंप फॉर यू, फॉर द रेकॉर्ड, लैब ऑन मी गोइंग ऑल द वे, फॉर द रेकॉर्ड, एंड ट्राइंग टू मेक नो टाइम टू वेस्ट, फॉर द रेकॉर्ड। For the record, 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 for the record,
मजाक मजाक में हम लोग पहुंच तो गए जहाँ पे हमारा हो रहा था इवेंट, लेकिन इवेंट में पहुंचते मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग किस किस बाइक पे आए। तो अभी सबसे पहले मैं आपको वो चीजें दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी रॉयल एनफील्ड हिमालयन, जो अभी ब्रांड न्यू लॉन्च हुई है, मतलब 2 महीने हो गए से लॉन्च हुए, लेकिन अपने पास अभी आई है। वैसे तो मन था इसका स्टार्टिंग में ही लेने का, लेकिन ना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कर दिया था माइंड ने, कि मैं इसकी वजह से मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था कि मैं नहीं लूंगा। लेकिन वो बोलते ना वक्त के साथ साथ ना चीजें बदल जाती है, सोच बदल जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि जब मैंने और लोगों के व्लॉग्स देखे, रिव्यूज देखे और जब इसकी परफॉर्मेंस देखी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं उठा के ले आया। फिलहाल ये है रॉयल एनफील्ड की मीडिया बाइक, जो मुझे 2-3 दिन से मिली हुई है चलाने के लिए, ताकि मैं इसका टेस्ट राइड ले सकूं और एक अच्छे से डिसीजन पे पहुंच सकूं कि मैं इसे खरीदूं या नहीं। तो जो इसे चलाने के बाद मुझे परफॉर्मेंस फील हुई है ना, थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल जो साथ में दूसरी बाइक है यह है कावासाकी Z900, यह हमारे बिली बाजी की। अभी इन्होंने पिछले महीने डिलीवरी ली थी, मैंने व्लॉग बनाया था लेकिन डाला नहीं। चलो ये तो हो ही रहा था लेकिन अब डाल देंगे। ये है अपने आकाश भाई की हायाबुसा। अगर आपको याद हो तो हमने 2 साल पहले एक संडे राइड रखी थी, उसमें आकाश भाई हमसे मिले थे, आज अपने साथ राइड कर रहे हैं। बाकी अपने जेएस पाजी की हायाबुसा नीलिमा, जिसे देखकर हम ब्लॉगर बने हैं, यू नो हमारी ब्लॉगिंग बड़ी हुई है जिसे देख देख कर। बाकी आज हम लोग जहाँ है यहाँ पे हो रहा है कैस्ट्रोल पावर का इवेंट, यहाँ पे हो रही है ऑडिशंस हो रहे हैं, बाइकर्स अपनी रेस कर रहे हैं। यहाँ से कुछ बाइकर सिलेक्ट होंगे जो जाएंगे कहाँ पे, सिंगापुर जाएंगे। मतलब एक अच्छा है कि जिसका टैलेंट अगर सामने आएगा तो वो अपनी किस्मत चमका सकता है। बिल्कुल, काफ़ी सारे जो राइडर्स हैं उनकी जो करियर बनाना चाहते हैं प्रोफेशनली राइडिंग के लिए, तो yes. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कैस्ट्रोल पहली बार इंडिया में लेके आया है यार, विद MTV ऑफकोर्स। हाँ ये MTV पे आएगा, ध्यान, ये MTV पे आएगा जितना भी यहाँ पे शूट हो रहा है, जो भी यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। तो लगभग 15 दिन से इसुजु ऐसे ही खड़ी हुई थी, मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी स्टार्ट कर दिया ताकि इसकी बैटरी रिचार्ज हो जाए, डिस्चार्ज ना हो, अदरवाइज डिस्चार्ज हो गई तो धक्का मारना मुश्किल हो जाएगा। बाकी इवेंट से निकल के सीधा मैं घर आ गया और हिमालयन छोड़ दी शोरूम पे। तो ओखला फेज 2 श्री राधे गोविंदा ऑटोमोबाइल्स करके शोरूम है, ओखला फेज 2 के अंदर एक ही शोरूम है, तो वहां से मैंने वो बाइक को लिया था। अगर किसी को टेस्ट राइड लेनी है तो वहां पे अवेलेबल है, आप जाके टेस्ट राइड वगैरह ले सकते हो। तो अब बात आती है कि मैं हिमालयन 452 के बारे में क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि इस सेगमेंट में 3 बाइकें और आती हैं, डोमिनार 400, KTM 390 एडवेंचर और BMW की GS 310। अब ये तीनों जो और बाइक है मैंने उनके लिए क्यों नहीं सोचा, देखो एक एक करके मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आती है डोमिनार मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ जावेद भाई की, तो एज पर माई हाइट, एज पर माई बॉडी, एज पर माई कम्फर्ट जोन वाइल्ड राइडिंग, डोमिनार पावरफुल है, बहुत अच्छी बाइक है, उसमें कोई कमी नहीं है। लगेज सेटअप आराम से, मतलब पैनल्स वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो आफ्टर मार्केट वाले, वो सारी फैसिलिटीज है, लेकिन जो उसका सिटिंग पोस्चर है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरे लिए सुटेबल नहीं है। और दूसरी चीज, उसके लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन नहीं है, सिटी टूरर सस्पेंशन है, तो जब मैं ऑफ रोड वगैरह में जाता हूँ तो मेरे हाथ पे काफी जर्क आता है, तो वो हाथ में पेन होने का चांसेस उसमें बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने डोमिनार को सबसे पहले रिजेक्ट किया। सबसे सस्ती बाइक है इस 400cc के सेगमेंट में। फिर आते हैं इसके ऊपर KTM 390 एडवेंचर, वो मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि वो पावरफुल भी है, उसके अंदर भी पैनियर्स वगैरह इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ व्लॉग्स ऐसे देखे थे 390 एडवेंचर के लिए, जिसके लिए बहुत ही मतलब मेरे को ना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पाया, एक क्योंकि आपको पता है कि अपन एक ही टाइम बाइक खरीदेंगे, बार बार तो खरीदेंगे नहीं, तो इसीलिए वो चीज देखते हुए मैंने फिर KTM को थोड़ा सा साइड किया कि यार ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। सपोज करो अगर जो जैसे व्लॉग्स मैंने देखे अगर वो सारी चीजें मेरे साथ हुई तो फिर भैया मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा, तो उन चीजों में पढ़ने से अच्छा है मैंने KTM को भी थोड़ा साइड किया। फिर आते हैं BMW GS 310, मैं उसकी टेस्ट राइड भी लेने गया था, सारी चीजें बातचीत भी हो गई थी, वो भी अच्छी बाइक है, लेकिन वो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, ऑन रोड पड़ रही थी मेरे को ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के आसपास, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव है BMW GS 310 की, एक यूट्यूबर के लिए और एक ट्रैवलर
ड्राइवर के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि उसको एक ऐसा व्हीकल मिले जिसमें पैसे कम लगे और उसको आउटपुट ज्यादा मिले। तो उस सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए मेरे को दिखी हिमालयन, जिसके अंदर सारी चीजें, कोई भी जुगाड़ नहीं है, सब कुछ प्रॉपर कंपनी फिटेड मिल रहा है, चाहे वो टॉप बॉक्स पैनियर्स हो, चाहे वो लाइटिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, सब कंपनी के थ्रू उसमें हमें एक्सप्लोरर किट में मिल रहा है। और 3 दिन मैंने जितना उसको चलाया है, मुझे उसके अंदर वैसे तो कोई कमी लगी नहीं है, लेकिन 1-2 पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि मैं वो बाइक जाके खरीदूं या नहीं। तो जो मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो आज रात को बैठ के अच्छे से डिसाइड कर लूंगा कि हमें कल करना क्या है, कि हमें डोमिनार, KTM, BMW GS310 और हिमालयन, इन चारों में से मुझे कौन सी बाइक लेनी है, क्योंकि हर बाइक का कोई एडवांटेज है तो कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी है। ऐसा नहीं कि हिमालयन ही बिल्कुल परफेक्ट बाइक है, चारों बाइकों के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो आज रात को मैं बैठ के डिसाइड करूंगा मुझे लेनी कौन सी बाइक है अपने फ्यूचर ट्रैवल के लिए। तो अब आप लोगों के मन में ना सिर्फ 2 सवाल चल रहे होंगे। सबसे पहला ये सवाल चल रहा होगा कि मैंने मेट्रोर 350 रेडी कराई, मैंने उस पर ट्रिप क्यों नहीं किया, मैं अब न्यू बाइक क्यों परचेज कर रहा हूँ। देखो, जो मेट्रोर 350 है वो है मेरे फ्रेंड की बाइक, आदित्य भाई की, जो हमारे साथ स्पीति वैली गए थे, जिनके पास इसुजू है। तो उनसे मैंने कुछ टाइम के लिए बोरो की थी कि मैं एक ट्रिप कर लूंगा और फिर उनको रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अपनी तबीयत होगी खराब और 15-20 दिन से वो बाइक एज इट इज खड़ी हुई है, मैं ट्रिप नहीं कर पाया। ऐसा उनकी तरफ से मेरे पास कोई प्रेशर नहीं कि मुझे उनको वापस ही करनी है, लेकिन यार एक छोटी सी बात समझो कि मुझे ना अब कंटिन्यू बाइक से ट्रिप करना है, तो मैं कब तक अपने फ्रेंडों से बाइक ले लेकर ट्रिप करता रहूँगा, मुझे कभी ना कभी तो अपनी बाइक लेनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि होली का टाइम है, तो जब रंगों का त्यौहार है तो क्यों ना अपनी लाइफ में एक ऐसा रंग घोला जाए जिससे हमारा जो पैशन है, जो हमारे अंदर की जो एक्साइटमेंट है, वो दोबारा वापस आए। तो मैंने सोचा कि एक अपनी बाइक खरीद ही लेते हैं, फिर फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम ही खत्म। तो ये रीजन है अपनी बाइक लेने का। अब करते हैं दूसरे सवाल की बात कि सैम भाई, आपके पास इसुजू होते हुए भी आप बाइक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वो वाला पैसा इसके अंदर यूज क्यों नहीं करते हो, इसुजू से ट्रैवल करो। यार देखो, इसको ना 1 साल हो गया खरीदे हुए, मतलब 1 साल से ज्यादा ही हो गया है, तो अभी ना मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूँ इसुजू चलाते चलाते। तो मैंने सोचा कि अपनी ना एक बाइक लेते जैसे अपन पहले ट्रैवल करते थे, और थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना है मुझे जो पॉसिबल है सिर्फ बाइक के अंदर, क्योंकि अगर इसके अंदर करूँगा तो एक तो देखो यार खर्चा भी बढ़ता है, अगर बाइक में कोई मेरी ट्रैवल 25-30 हज़ार रुपये में हो रहा है तो इसमें सीधा सीधा 1 लाख रुपये का खर्चा आएगा, तो वो चीज़ भी बैलेंस करना ज़रूरी है। और फिर यार अपन शुरू से बाइकर है, तो अभी ना लगभग 2 साल हो गए एक वैसा ट्रैवल किए हुए, तो यार वो चीज़ें ना बार बार मेरे को अपनी तरफ खींच रही है। तो मैंने सोचा कि यार एक बाइक लेते हैं और अभी बाइक से ट्रिप शुरू करते हैं, ताकि अपने जो माइंड का जो लेवल है ना, वो जो संतुलन है, वो बराबर में आ सके, और जब मैं अगली बार इसुजू लेके निकलूं तो मेरे अंदर की ना एक अलग ही एक्साइटमेंट हो इसे भी चलाने की। अब कंटिन्यू मैं एक ही चीज पे करता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी एक परमानेंट बाइक लेते हैं, उस पर अपना सेटअप रेडी करते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं। बाकी फ्यूचर में जो होना होगा वो तो होगा, देखो फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो अभी पहले जो प्रेजेंट है मैं उसे देखूं, उसको जी लूं, फ्यूचर तो देखते रहेंगे आगे जो होता रहेगा। तो मैंने आज बहुत सारी ज्ञान की बातें कर ली है, बाकी अब डिसाइड करना है कि मेरे को उन चारों बाइकों में से कौन सी बाइक लेनी है, कल जाके कौन सी बाइक मेरे को बुक करानी है। तो वो सारी डिटेल मैं शेयर करूंगा आपको इस अगले व्लॉग में। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेरे को चारों बाइकों में से कौन सी लेनी चाहिए, डोमिनार, KTM 390, हिमालयन 452 अभी न्यू वाली जो आई है, और BMW GS310। तो ये आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही मुझे बताएगा कि हमें कौन सी बाइक पे जाना चाहिए। बाकी अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा कि अपन कौन सी बाइक बुक करा रहे हैं। बाकी अभी कोशिश करूंगा कि मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन व्लॉग अपलोड करूँ और YouTube के अंदर कंटिन्यू बना रहा हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, Instagram का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।